जय हिंद। उमेश स्टडी में आपका स्वागत है। कल विधानसभा में क्या होने वाला है, लाइब्रेरी से संबंधित क्या प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, क्या कल लाइब्रेरी से संबंधित विधानसभा में क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा, इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं। आप जैसा कि यहां स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह श्री अरुण कुमार सिन्हा जी के द्वारा माननीय जो सदस्य हैं विधानसभा के, उनके द्वारा 23 जुलाई 2024 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न शिक्षा विभाग के 105 के तहत है। और यह क्या प्रश्न पूछा जाएगा मैं आपको बताने वाला हूं। क्या मंत्री शिक्षा विभाग यह बताने की कृपा करेंगे, प्रश्न एक है, क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन ग्रुप एक के पद रिक्त हैं और सभी जगह पुस्तकालयों का चारी अन्य विभाग के शिक्षकों को दिया गया है। और दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार सभी अंगीभूत एवं शासकीय महाविद्यालयों कॉलेजों में लाइब्रेरियन का पद UGC के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर के समतुल्य पे लेवल 10 का पद है। तीसरा, यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों। यह तीन प्रश्न कल जो है विश्वविद्यालय से संबंधित लाइब्रेरी के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। और पहला प्रश्न का उत्तर क्या है, ये माननीय मंत्री जो शिक्षा विभाग के श्री सुनील कुमार शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं उनके द्वारा क्या उत्तर दिए जाने वाले हैं। तो पहला प्रश्न का उत्तर माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी क्या देंगे, तो इसका उत्तर देंगे आंशिक स्वीकारात्मक है कि कॉलेजों में लाइब्रेरियन का पद खाली है। मैं आपको बता दूं, सिर्फ कॉलेज में ही नहीं, पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी है और विद्यालय में भी है। तो विद्यालय के जितने भी पद हैं सबका जो है रिक्ति कार्यालय के द्वारा भेज दिया गया लगभग है, और डेटा जो है लगभग तैयार है, सिर्फ औपचारिक घोषणा जो है सरकार के द्वारा की जानी है। इसके बारे में मैं डिटेल बातें बाद में करूंगा। पहले प्रश्न टू क्या है इसके बारे में मैं बता दूं, क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार सभी अंगीभूत एवं शासकीय महाविद्यालयों में लाइब्रेरियन का पद UGC के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर के समतुल्य जो पे लेवल 10 का पद है। तो यह कंडिका जो है, प्रश्न कंडिका एक एवं दो जो है, यह वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में लाइब्रेरियन के पद तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं जो गैर शैक्षणिक पद हैं, इसलिए यह कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के समतुल्य हो ही नहीं सकता। बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 में वर्ग 3 के कर्मियों के नियोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूर्ण कराने का प्रावधान किया गया है। सभी विश्वविद्यालय से लाइब्रेरियन, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष और पुस्तकालय सहायक जैसे तृतीय श्रेणी के रिक्ति की सूचना प्राप्त किए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है यह अपने आप में क्या हो जाता है, आंशिक स्वीकारात्मक है। और उससे पहले भी पिछले साल जो है कैबिनेट से पास भी हो चुका है कि कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज में और स्कूल सब के लिए भी बहुत जल्द ही जो है यह कैबिनेट से पास होने की सूचना मिल रही है।
और हो सकता है कि अगस्त के लास्ट तक या सितंबर तक जो है शुभ संकेत मिलने का ऐसा जो है संकेत प्राप्त हो रहा है। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, तैयारी बंद मत कीजिए। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।